चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। शमशेर बहादुर सिंह ये जानते थे कि जो युद्ध हैं वे पूंजी के द्वारा कराए जाते हैं। इस वक्त भी दुनिया में दो जगह तो बहुत भीषण युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच में और दूसरा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। युद्धों के दौर में अमन का राग गाने वाले, नफरतों के दौर में मनुष्य प्रेम की प्रतिष्ठा करने वाले कवि शमशेर। व्यक्ति समाज का अनुभव केंद्र है। समाज आखिर अपने सारे अनुभव जुटाता कैसे है? वो व्यक्तियों के माध्यम से होता है, वो अनुभव केंद्र है। शमशेर ने खुद सिर्फ अपने कथन में नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मार्क्सवाद ऑक्सीजन जैसी ही जरूरी है, वैसे उनकी कविता को भी ऑक्सीजन मार्क्सवाद से मिलता था। सवाल यह है कि हमारे पास उन कविताओं को पढ़ने की वैसी सजग दृष्टि है कि नहीं। मंच पर और सभागार में बैठे हुए दोस्तों, ये ऐतिहासिक मौका है कि शमशेर बहादुर सिंह के गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है और जिसमें उपस्थित होने का हमें मौका मिला है। और अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की संभवतः सबसे बड़ी कविता है, आकार में भी। और वो एक ज़माना है जब दो दो विश्व युद्ध दुनिया झेल चुकी थी और शांति के पक्ष में विश्वव्यापी एक तरह का आंदोलन था कि अब और युद्ध नहीं चाहिए। मनुष्य के विकास में शांति बहुत ज़रूरी चीज़ है और शमशेर बहादुर सिंह उन लोगों में से नहीं थे जो युद्धों को सिर्फ समझते थे कि कोई आध्यात्मिक संकट है, जैसा कि दो विश्व युद्धों के बीच में जो हमारे अमेरिकी कवि थे, ब्रिटिश कवि थे, वो लोग समझते थे कि ये कोई पश्चिम का आध्यात्मिक संकट है जिसके चलते जो दुनिया की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई विज्ञान के क्षेत्र में, उनका इस्तेमाल बम और मिसाइल बनाने के लिए किया गया और इस तरह से सारा ज्ञान विज्ञान, मानवता की प्रगति, ये सब जो युद्ध की भेंट चढ़ी है वह एक तरह का आध्यात्मिक सांस्कृतिक संकट है, या आधुनिक होने की प्रक्रिया का दोष है। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह ये जानते थे कि जो युद्ध हैं वे पूंजी के द्वारा कराए जाते हैं। इस वक्त भी दुनिया में दो जगह तो बहुत भीषण युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच में और दूसरा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। तो युद्ध अक्सर जो युद्धोन्माद की ताकतें हैं वह कब्जे के लिए करती हैं, दुनिया को दुनिया के सारे संसाधनों के बंटवारे के लिए अक्सर युद्ध हुआ करते हैं। विश्व युद्ध इसीलिए हुए, देशों के बीच भी युद्ध अगर आप उनके अंतरतम में जाइए तो आखिरकार इस बात के लिए होता है कि इस धरती का संसाधन किसके हाथ जाए। तो युद्ध पूंजी की जरूरत है और इसलिए जो अमन का राग है जो शमशेर गाते हैं वो एक तरह से कहिए कि मनुष्य मात्र की एकता, जिसके अंदर पूर्व और पश्चिम में कोई फर्क ना हो, जिसमें कि और शांति कैसे आ सकती है, समता से आएगी, शोषण से मुक्ति से आएगी और तभी मनुष्य का इतिहास में आगे की चरण में विकास होगा। अब साथी ने जिस कविता से ख़त्म किया, जो हिंदू मुस्लिम था वो सिख हिंदू हो गया, देखो ये नफ़रत का तकाजा और कितना बढ़ गया, देखो हम इसके पहले भी मिलजुल के आखिर रहते आए थे, जो अपने भी नहीं थे
वो भी कब इतने पराए थे, हम अपनी सभ्यता के मानी और मतलब ही खो बैठे, जो थी अच्छाइयाँ इतिहास की उन सबको धो बैठे, तबीयत जैसी बन जाती है फिर बनती ही जाती है, जो तन जाती है आपस में तो फिर तनती ही जाती है। ये पूरे के पूरे नफ़रतों के दौर में, युद्धों के दौर में अमन का राग गाने वाले, नफ़रतों के दौर में मनुष्य प्रेम की प्रतिष्ठा करने वाले कवि शमशेर। हमसे पहले की वक्ता ने उनकी बहुत सारी खूबियों की ओर इशारा किया, उनके शिल्प पक्ष को लेकर, उनके विचार पक्ष को भी लेकर। तो अब सवाल ये है कि शमशेर बहादुर सिंह की कुछ कविताएं ऐसी होंगी जिनको आप जिसमें मगन हो सकते हैं लेकिन उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी बहुत सारे चित्र होते हैं, आपसे कोई पूछे कि भाई ये चित्र जो आपने देखा इसका क्या मतलब है, तो दरअसल आप मतलब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चित्र की जो भाषा है वो आपके ऊपर एक प्रभाव डालती है, कुछ रंग कुछ संकेत आपके मन में बैठ जाते हैं और फिर वो अपनी तरह से आपके दिमाग के अंदर काम करते हैं। दरअसल उस चित्र को देखते हुए आप एक और चित्र अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो शमशेर की बहुत सारी कविताएं ऐसी ही हैं, जैसे एक चित्रकार जो काम ब्रश के स्ट्रोक से लेता है वो कभी कभी वही काम, ज़्यादातर वही काम शब्दों से लेते हैं। तो इसलिए बहुत सी उनकी कविताएं ऐसी होंगी जिन्हें आप पढ़कर प्रभावित होते हैं, लेकिन आप दरअसल ये नहीं बता सकते उस खास क्षण में कि ये प्रभाव कैसा है क्या है, और उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शमशेर की बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिसको बिल्कुल सामान्य लोग समझ सकते हैं। तो ये जो एक कवि की अद्वितीयता उसके शिल्प में तो है ही, उसके बनाए हुए तरीकों में तो है ही। शमशेर जिस समय रचना कर रहे हैं तो मुक्तिबोध ने ही कहा है कि भाषा का स्तर जिस होता है जो किसी भी समाज का, कभी कभी कोई कवि इस मामले में भी अपने को अकेला महसूस करता है कि जो भाषा उसको विरासत में मिली है वह उसकी संवेदना को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, या उसके अनुभवों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह संकट शमशेर भी झेलते हैं। शमशेर को संस्कृत नहीं आती थी तो उसका उनको बहुत वो था कि वो भी आनी चाहिए थी मुझे, अरबी में प्रार्थना लिख के क्या नहीं करूं तो मुझे दोजख में डाल दोगे, जब ये बात वो कहते हैं। तमाम तरह की भाषाएं, उनकी लिपियां, इन सबको वो संकेतों की तरह पढ़ते थे और संकेतों की तरह इस्तेमाल करते थे। भाषा खुद भी क्या है, सभ्यता के विकास के दौरान भाषाएं बनी हैं, और उन भाषाओं की परस्पर जो निकटता है उसको शमशेर बहुत गहराई से जानने वाले कवि थे। इतना ही नहीं, जैसे संगीत की भी अपनी भाषा है, चित्र की भी अपनी भाषा है, इन सब भाषाओं में, इन सब कलाओं के अंदर संवेदना जब आती है तो अपने अपने तरीके से आती है। एक ही संवेदना जब शब्द में व्यक्त होगी, जब चित्र में होगी, जब संगीत में होगी, तो उसका रूप रंग अलग किस्म का होगा। शमशेर की कविताएं एक तरह से कहिए कि इन सभी कलाओं के की भीतरी एकता और एक दूसरे से परस्पर भिन्नता दोनों को बहुत गहराई से व्यक्त करती है। तो इसलिए उनकी कविता का पाठक एक तरह से कहिए कि श्रोता भी होता है, उसको मौन भी सुनना पड़ता है जो उन पंक्तियों के बीच में कहीं होता है, वह एक चित्र का भी दर्शक होता है, और शब्दों से ये काम लेना है, यानी एक रंग का काम लेना, सुर का काम लेना, ये शमशेर की जो कविता की बनावट है वो उसकी खास खूबसूरत चीज़ है। शमशेर बहादुर सिंह ने जो कविताएं लिखी और अनेक अनेक प्रयोग किए, तो वो प्रयोग करने की ज़रूरत किसी कवि को क्यों पड़ती है। बहुत सी संवेदनाएं हैं जिनके लिए जो आपके पास पहले से मौजूद भाषा या शिल्प के ढांचे हैं वो पूरे नहीं पड़ते। जैसे फैज साहब कहते हैं
एक कड़ा दर्द कि जो गीत में ढलता ही नहीं, दर्द इतना कड़ा है कि हम उसको एक कोमल गीत में नहीं ढाल सकते। तो कविताएं जो रूप लेती हैं वो हमारी भावनाओं और संवेदनाओं के हिसाब से कवि उस रूप को, उस शिल्प को गढ़ता है। शमशेर बहादुर सिंह के लिए आत्मिक और सामाजिक, यानी जो पर्सनल है और जो सोशल है, उसको जोड़ने वाली कड़ी है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। वो मानवीय, मतलब वो सिर्फ प्रकृति का मानवीकरण ही नहीं करते, उसका ऐतिहासिकरण भी करते हैं। और इस तरह से इतिहास चेतना के साथ कविता रचने का एक ज़बरदस्त किस्म का प्रयोग शमशेर बहादुर सिंह ने किया है। और क्यों, मुक्तिबोध ने लिखा है कि व्यक्ति और समाज में द्वंद्वात्मक रिश्ता तो होता है, लेकिन दो विपरीत विरोधी चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति समाज का अनुभव केंद्र है। समाज आखिर अपने सारे अनुभव जुटाता कैसे है, वो व्यक्तियों के माध्यम से होता है, वो अनुभव केंद्र है। इस बात को शमशेर की कविता जितने गहराई से समझती है उतना कोई और नहीं समझता। और ठीक है कि वो उस तरह से यथार्थवादी कवि नहीं माने जा सकते। यथार्थवादी कवि तो ये होता है कि भाई जैसे जैसा दृश्य उसने देखा वैसा उसने अपने चित्र में या अपनी कविता में बनाने की कोशिश की, और साथ में यह भी कि उस दृश्य की भी वह आलोचना करता है। लेकिन ऐसा कोई कवि हो जो जिस देखे गए या सुने गए चीज़ को इस तरह से व्यक्त करे कि उसके ऊपर एक अलग सा दृश्य जैसे बना दे, यानी एक जो यथार्थ है उसके लिए कच्ची सामग्री का काम तो करेगा, लेकिन यथार्थ अब इस तरह से रूप बदल लेगा कि आपको लगेगा कि ये एक अनूठी सी चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं। और यहीं से काव्य की जो एक तरह का रोमांच होता है वो पैदा होता है। शमशेर की कविताओं के बारे में एक बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे हम जब बच्चे होते हैं, एक बच्चा कोई दृश्य जब देखता है तो कभी कभी वो पूरा दृश्य नहीं देखता, बल्कि हो सकता है किसी रंग में वो अटक गया हो, वो रंग उसकी आँख में, उसकी चेतना में घुलता चला जाता है, समूचा दृश्य हट जाता है। और तब वो जो बिंब बनाता है उस रंग को अपनी चेतना में, वो अनूठा होता है, भले ही उसके पास अभिव्यक्ति नहीं है, बच्चा चित्रकार नहीं है। या आप उगते हुए या डूबते हुए सूरज को देखकर जिस तरह से मगन हो सकते हैं, उस दृश्य में अपने आप को खो सकते हैं, उसी तरह शमशेर की बहुत सारी कविताएं हैं जो दृश्य और दर्शक के विभाजन को मिटा देती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के विभाजन जैसे मिट जाते हैं। इसलिए भी उनकी कविता के अंदर प्रवेश अगर आप करते हैं तो ये हो सकता है कि आप उसमें मगन हो जाएं, इतने मगन हो जाएं कि उसको बाहर से न देख पाएं, आप उस कविता के अनुभव का हिस्सा हो जाएं। तो ठीक है, उन्होंने जिसको अति यथार्थवाद कहते हैं, सरिलिज्म या प्रभाववाद, जो इम्प्रेशनिज्म, इस तरह के जो कला आंदोलन थे, प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म, उनसे बहुत से तत्व लिए प्रयोग, शिल्पगत प्रयोग के लिए इस स्तर पे। लेकिन कथ्य जो उन्होंने कहा वह एक खास किस्म का ऐतिहासिक, द्वंद्वात्मक और भौतिकवादी दृष्टिकोण था जो बिल्कुल नए शिल्प में, पूरी हिंदी कविता में व्यक्त होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध और शमशेर एक ही विचारधारा के दो ऐसे बड़े कवि हैं जिन्होंने एक तरह से कहिए कि उस विचारधारा से जो कुछ भी ग्रहण किया उसको कला में रूपांतरित करने में सारी जिंदगी लगा दी, और जो कुछ बन के निकला वो एक उच्च शिखर हैं हमारी समूची कला यात्रा की जो कि हमारी सभ्यता ने की है। शमशेर बहादुर सिंह का गांव है ये, वो एक ऐसे परिवेश में उन्होंने उनकी पैदाइश हुई जो एक किसानी परिवेश था, और ये जो पूरा क्षेत्र है वो अपने लड़ाकूपन के लिए, अपने शौर्य के लिए जाना जाता है।
लेकिन शमशेर का व्यक्तित्व देखिए, सिर्फ कवि के रूप में उनका व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक मनुष्य के रूप में बहुत ही नर्म नाजुक कोमल भावों के कवि नहीं, बहुत ही नर्म नाजुक मिजाज के आदमी भी थे। और दूसरों के लिए बहुत कष्ट उठाना, लोग उनके घर चले जाते थे, कई कई दिन रुके रहते थे, सबकी सेवा करना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना और खुद अपना बिल्कुल ख्याल न रखना, बेपरवाह रहना, ऐसे थे शमशेर बहादुर सिंह। लेकिन इस खेती किसानी से क्या उनके जैसे इतने कला दक्ष, इतने ज़बरदस्त शिल्प वाले, अद्वितीय शिल्प वाले, इतनी कोमल संवेदना वाले कवि का ये क्या किसानी जीवन से कोई गहरा रिश्ता था? किसान लौट रहे हैं, शाम हो गई है और धूल में लिपटा हुआ है आसमान, ये कई बिंब उनके आते हैं। इस दृष्टि से भी उनके काव्य का अध्ययन किया जाना चाहिए कि उनके जो बहुत सारे अष्टधातु का बदन, जिन लोगों ने अष्टधातु से बनी हुई मूर्तियां और मूर्तिकारों को देखा होगा उससे बनते हुए, उसके सामने ही इस तरह का बिंब या इस तरह का चित्र प्रकट हो सकता है। तो कारीगरी, जो कारीगर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी जिंदगी के उनके कौन से ऐसे कौशल हैं जो कवि की चेतना में इस तरह से रच बस गए हैं कि उनकी कविता में अचानक आ जाते हैं, भले ही किसानी जीवन पे वो कविता ना लिख रहे हैं। ये शाम है कि आसमान खेत है पके हुए अनाज का। तो अब जैसे उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है बैल, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि उनका अपने इलाके से बैल वहां पे एक तरह का प्रतीक है शोषित मजदूरों का। दिन भर बैल की तरह खटते रहते हैं वो किसी और के मुनाफे के लिए और खाली चारे के लिए, अंत में चारा मिल जाता है उसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। और आखिर में जो कवि लिखता है उस कविता में कि मुझे सारी दुनिया, ये सारी दुनिया मुझे बैल मालूम देती है। क्यों? बैल जैसी ज़िंदगी में खटते हुए लोग और ये जो सारी चकाचौंध है, जो बहुत बड़े बड़े महल बने हुए हैं, अटारियाँ बनी हुई हैं, चौड़ी हुई सड़कें हैं, चमकती हुई चीज़ें हैं, वो किसके खून पसीने में बनी हुई हैं? जो मेहनत करता है किसने बनाया है इसे? लेकिन वो रहता किस हालत में है? उसकी ज़िंदगी किसान सबका पेट भर रहा है, मजदूर आपके लिए हवाई अड्डों से लेके सड़क से लेके क्या क्या बना रहा है, मजदूर की हालत क्या है, किसान की हालत क्या है? बैल जैसी है। पर वो जो बिंब, ये तो उसका तथ्य है। मैं वह गुट्ठल काली कड़ी कूब वाला बैल हूँ जो अकेला धीरे धीरे 6 मील खींचकर ले जाते हुए ठेले पर ऊपर तक लदा हुआ माल स्टेशन से दूर गोदाम तक चुपचाप धीरे धीरे आंखें बाहर को निकली हुई त्योरी चढ़ी हुई कांधे जोर लगाते हुए सीना और छाती आगे को झुककर जोर लगाते हुए राने तनी हुई गर्म पसीने से तर मगर जोर लगाती हुई नथुने फूले हुए सांस और दम अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए। और आगे खेती से ही और गुड़ाई से ही संबंधित बहुत सारी चित्रमालाएँ आती हैं इस कविता में। तो शमशेर सिर्फ प्रकृति की सुंदरता या सौंदर्य मात्र के या विशुद्ध सौंदर्य के ही कवि नहीं है, वो श्रम के, खून पसीने धूल की महक के भी कवि हैं। और इसलिए ये चीज़ जो है वो उनको और बड़ा कवि बनाती है। इसलिए वो संवेदना का जो रेंज है, यानी कुछ कवियों के पास भाषा का बड़ा भारी रेंज होता है, विषयों का बहुत बड़ा रेंज होता है, एक बहुत बड़ा रेंज संवेदनाओं का शमशेर की कविताओं में मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि इतिहास की जो चेतना है, और वो इतिहास की चेतना वो प्रकृति तक में व्यक्त करते हैं। पूंजीवाद जो क्या करता है कि जो एक तरह से प्रकृति वो निरपेक्ष सत्ता है जिसको वो सापेक्ष बना के पेश करता है, यानी हम प्रकृति को चाहें तो जैसे जैसे चाहें वैसे मरोड़ सकते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बांध नदियों पे बांध बांध सकते हैं और जगह जगह पता, अब सबको मालूम है कि इस समय पर्यावरण में क्या हो रहा है। वो शमशेर की कविताएं एक तरह से जो
प्रकृति की निरपेक्ष शुद्धता वो जरूरत है मनुष्य के जीवन में, उसको बार बार जब चित्रित करते हैं तो पूंजी का यह दावा कि हमारे नियमों से प्रकृति भी चलेगी, उस दावे का वो खंडन कर रहे होते हैं। इस सूक्ष्म स्तर पर उनकी विचारधारा को उनकी कविता में देखने की जरूरत है। अभी शमशेर जी पर उतना काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, उनको मान तो लिया सभी ने बहुत ही अद्वितीय कवि, अपने अपने ढंग से उनके प्रयोगों को देखते हुए, उनकी शिल्पगत अद्वितीयता को देखते हुए वो उनको कलावादियों ने भी एक समय बहुत सराहा, और लेकिन शमशेर ने खुद सिर्फ अपने कथन में नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मार्क्सवाद ऑक्सीजन जैसी ही जरूरी है, वैसे उनकी उनकी कविता को भी ऑक्सीजन मार्क्सवाद से मिलता था। सवाल ये है कि हमारे पास उन कविताओं को पढ़ने की वैसी सजग दृष्टि है कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है। शमशेर ने सीधे वर्ग संघर्ष कविताएं नहीं लिखी, लेकिन हिस्टोरिकल टाइम, मनुष्य जो इतिहास को निर्माण कर रहा है, जो युगों की अनुभूतियां हैं, जो इतिहास की अनुभूतियां हैं, समूचे मानव के अनुभवों का ऐतिहासिकरण, उसके वो बहुत ही जबरदस्त कवि हैं। युद्ध विरोधी मानवता के सुख शांति और सौंदर्य के बहुत ही बड़े कवि हैं, और ऐसे कवि की इसलिए हमें बहुत जरूरत है और बहुत संजोने की जरूरत है। मनुष्य कैसे बनता है, जाहिर है घटनाओं से, परिस्थितियों से, और अन्य मनुष्यों के साथ जो उसके संबंध विकसित होते हैं उसी के हिसाब से हम पलते बढ़ते और हमारा स्वभाव अर्जित करते हैं। लेकिन मनुष्य एक और तरीके से भी प्रभावित होते हैं, बनते हैं अपने बनने की प्रक्रिया में, वो तरीका है संस्कृति का, कला का। यानी अच्छी पुस्तकें पढ़कर, अच्छा संगीत सुनकर, अच्छी कलाकृति देखकर आपके मन का परिष्कार होता है, आपके व्यक्तित्व में कुछ नया जुड़ता है। वो सीधे परिस्थितियों से नहीं आ रहा है, पर आपके मन पर वह असर कर रहा है। शमशेर बहादुर सिंह वो पहले कवि हैं हमारी भाषा के, मेरे ख्याल से, जिन्होंने इस तरह के लिखने की परिपाटी बनाई कि अमुक कलाकृति को देखते हुए, यानी वो कलाकृति सामने है और कविता उसका जो प्रभाव पड़ रहा है कवि के ऊपर, अमुक का संगीत सुनते हुए। अब तो बहुत सारी ऐसी कविताएं आ गई हैं, लेकिन शायद शमशेर से पहले नहीं लिखा। यानी कला रूपों का मनुष्य की सूक्ष्म संवेदनाओं पर क्या असर होता है, कला खुद में कितनी मुक्तिदायिनी होती है, और जरूरी नहीं है कि संघर्ष के चित्रों में ही, बल्कि ऐसे चित्रों में भी जिसके पीछे शमशेरी कविताओं में होता यह है कि घटनाएं और स्थितियां उतनी नहीं होती, बल्कि उनके उनसे उपजी संवेदनाओं का एक भाव संसार वो अपने कविता में प्रस्तुत कर देते हैं। तो कभी कभी आपको उलझन भी होगी कि भाई ये जो भाव व्यक्त हो रहे हैं वो किस भौतिक परिस्थिति में हो रहे हैं, उस भौतिक परिस्थिति को कवि क्यों नहीं रखना। जरूरी नहीं है कि हर कवि रखे, ये काव्य की अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन जो उसमें प्रवाहित हो रही है वो जिंदगी की एक बहुत ही गहरी जरूरत और वास्तविकता है। और इसीलिए जो लोग, आप लोग यहां पर किसानों के बीच में भी काम कर रहे होंगे, संस्कृति का काम और जिस स्तर का परिष्कार मनुष्य को देता है, जिस तरह के सपने वो देता है, अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाए, एक विद्यालय होता है, एक विश्वविद्यालय होता है, इन सब में जो लोग मानविकी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनके पूरे के पूरे काम का आकलन कैसे होगा। प्रयोगशाला में आपने कुछ बनाया, वो इंडस्ट्री का काम आ गया तो उसका आकलन हो गया, उसका वैल्यू ये है, इतने पैसे की चीज उत्पादित हो गई हमारी खोज से। लेकिन साहित्य को पढ़ाने से क्या होगा, उसका मूल्य क्या है। साहित्य का मूल्य, संगीत का मूल्य, कलाओं का मूल्य मनुष्य को गढ़ना है, मनुष्य की आत्मा को गढ़ना है। इस तरह के आत्मा के शिल्पी जिन कवियों को हम याद करते हैं और हमें याद करना चाहिए, उनके अपने गांव से लेकर इस विश्व ग्राम तक उनके सपनों को सहेजना चाहिए। उनमें हमारे शमशेर बहादुर सिंह भी हैं, और अच्छी बात यह है कि वो उनका इलाका उनको इस तरह से याद कर रहा है, और उनके यहाँ जो मौन आता है उनका मौन अन्य लोगों के मौन से अलग है। यहाँ उतना समय नहीं है कि मैं उसकी बहुत व्याख्या करूँ, लेकिन एक तरह से उनका मौन
एक व्यक्ति की इतिहास के आगे अख्तियार की गई खामोशी है। जिस समय जिस क्षण हम जानते हैं कि जो शक्ति हमें आपको भी चला रही है वो मानवीय इतिहास है, हमारे अतीत जो साझे अतीत हैं और जो हमारे साझे भविष्य बनने वाले हैं उनका एक कण है हमारा वर्तमान, तो उस क्षण पर इतिहास की इस विराटता का जब अनुभव हम करते हैं और अपने को बहुत उसका कण किरण, इतिहास के कण किरण बनकर जीवित रहने की जो आकांक्षा है उनकी, वो उनका मौन इसी विराटता के आगे अख्तियार की गई खामोशी है, आत्मविसर्जन है, आत्मसमर्पण है, किसी अमूर्त सत्ता के आगे नहीं, किसी भगवान के आगे नहीं, पर इतिहास जिसमें अमृत भी है और विष भी है, लेकिन इतिहास को वहन करना पड़ता है, इतिहास हमारे भीतर से बोलता है, हम उससे कभी भी छूटे हुए नहीं हैं, इसको शमशेर समझते हैं। इसलिए जो इतिहास बोध और जो सपने जो चित्र उनकी रचनाओं में प्रक्षेपित हैं वो सब गहरे रूप से इतिहासविद्ध हैं, क्योंकि मनुष्य खुद भी इतिहासविद है। तो युद्ध के विरुद्ध कविता की बात उनकी कही गई, तो निजता को अपने एक तरह से उनका निज जो है वो हरेक हो जाना चाहता है, वो जो हैं वो चाहते हैं कि हर जैसे हम, हमारे अंदर वह क्या है जो आप में भी है, जो आप में भी है, जो आप में भी है। ये जो सामाजिक तत्व है आपके अपने निजी व्यक्तित्व का, वही उनके यहाँ बहुत गहराई से आता है। और निजता का इतिहास भी होता है आपके निजी जीवन का, तीन तरह के काल हो सकते हैं, एक अनंत काल है, एक हमारा जीवन काल है यानी जब से हम पैदा हुए और जब अंत में मरे, और इन दोनों को बीच इनको मिलाने वाला, इनको जोड़ने वाला काल है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल टाइम, जिसमें सारा का सारा समाज है, सारा का सारा इतिहास है, सारी सारी सृष्टि है। और इस विराट सृष्टि के तमामतर सौंदर्य को कविता में बांध ले जाने की जो ख्वाहिश है वो शमशेर की अपनी जिद है, अपने किसी भी कीमत पे एक मनुष्य बने रहने की जिद और मनुष्यता को लगातार गाते रहने की जिद, यही शमशेर की कविता है। हमको और भी वक्त मिलेगा, और भी वक्ताओं को हम सुनेंगे, फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने जी ने बहुत खूबसूरत